मैं खुशी बनवाल किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग चल रहे रैप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये अभी बहुत ट्रेंडी है और इसे बनाना बहुत इजी है। आज मैं आपसे दो तरह की रैप की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपको और भी रैप की रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। सबसे पहले हम रैप बनाएंगे। रैप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, साथ ही दही, बेकिंग सोडा, नमक और मैंने यहाँ ऑयल लिया है। अब हम रैप बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक परात लेंगे और उसमें हम मैदा निकालेंगे। मैंने यहाँ एक कप मैदा लिया है। सबसे पहले हम मैदे में बेकिंग सोडा डालेंगे। यहाँ मैंने एक पिंच बेकिंग सोडा लिया है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक हमें इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है। साथ ही हम इसमें एक टेबलस्पून कर्ड ऐड करेंगे। कर्ड और बेकिंग सोडा से बहुत अच्छा टेक्सचर आता है और डो बहुत सॉफ्ट बनता है। हम सारी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। हम ये ध्यान रखेंगे कि हम पानी एक बार ऐड ना करें, इससे डो गीला हो सकता है। डो को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें एक टीस्पून ऑयल डालेंगे और इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डो हमारे यहाँ रेडी हो चुका है। हम इसे गीले कपड़े से 10 से 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि डो हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं और डो हमारा सॉफ्ट हो चुका है। हम यहाँ पे थोड़ा सा सूखा हुआ मैदा लेंगे और मैदे को डो पे डस्ट करेंगे। इसे डस्ट करने के बाद हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स रेडी कर लेंगे। हमें यहाँ थोड़ी बड़ी रैप की ज़रूरत होगी, इसलिए हम इसके बॉल्स को थोड़ा बड़ा रखेंगे। मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मैंने डो बनाने के लिए मैदे का यूज़ किया है। आप चाहे तो हाफ मैदा और हाफ आटा दोनों का यूज़ कर सकते हो, या आप चाहो तो सिर्फ आटे से भी इसका डो रेडी कर सकते हो। मैंने यहाँ 3 बॉल्स रेडी कर लिए हैं। आप चाहो तो यहाँ पे रैप का साइज थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हो। अब हम एक बॉल लेंगे और बॉल को मैदे से डस्ट कर लेंगे। ऐसा करने से इसे बेलने में आसानी होगी। अब हम इसे बेल लेंगे। हमें इसे गोल ही बेलना है और इसे ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। हमें इसे रोटी के जैसे बेलना है। मैंने यहाँ एक रैप बेल कर रेडी कर लिया। अब हम इसे सेक लेते हैं। मैंने यहाँ एक पैन लिया है और पैन को थोड़ा गर्म कर लिया है। अब हम इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे। हम इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। आप देख सकते हैं इस पर से ब्राउन स्पॉट्स दिखने लग गए हैं। रैप सेक गया है। अब हम इसमें फिलिंग डालते हैं। सबसे पहले हम एक रैप लेंगे और रैप को सेंटर से कट करेंगे। क्योंकि मैं ये आलू टिक्की रैप बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ एक टिक्की ली है। टिक्की मैंने घर पे ही बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप ज़रूर बताना। मैंने यहाँ टिक्की रख दी है और इसे मैंने फिंगर से प्रेस कर दिया है। अब मैं दूसरे वाली साइड में मेयोनीज लगा रही हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ पे केचप का भी यूज़ कर सकते हो मेयोनीज के साथ। अब हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इसका सेकेंड वाला पार्ट भी फिल हो गया। अब हम थर्ड वाले पार्ट में कुछ वेजेज रखेंगे। यहाँ मैंने कैप्सिकम और कैबेज लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे अपने पसंद की वेजेज भी ले सकते हो। इसके बाद मैं इसमें 1 से 2 स्लाइस टमाटर के डालूंगी। आप चाहो तो यहाँ पे खीरा भी यूज़ कर सकते हो। हमारा तीसरा पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब हम चौथे वाले पार्ट को फिल करेंगे। यहाँ मैंने एक चीज़ स्लाइस ली है। आप इसकी जगह पे कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मोज़रेला पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसे रैप कर लेंगे। आप भी ऐसे ही फॉलो करना और इसे बिल्कुल ऐसे ही रैप करना। हमारा टिक्की रैप रेडी हो चुका है। अब हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कोई भी एक पैन लेंगे। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उसमें हम 1/2 टीस्पून बटर डालेंगे और बटर को थोड़ा मेल्ट होने देंगे। उसके बाद रेडी किया हुआ हम रैप डालेंगे। रैप को हम थोड़ा सा सेक लेंगे एक साइड से। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है। एक साइड से ये पक गया है। अब मैंने इसे पलट दिया है। इसे हम दूसरे साइड भी सेक लेते हैं। आप देख सकते हो ऊपर से कितना अच्छा कलर आ गया है। ये दूसरे साइड से भी सेक गया है। अब हम इसे थोड़ा सा साइड से सेक लेते हैं। ये अच्छे से रेडी हो चुका है हमारा रैप और चीज़ भी बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हो रैप देखने में कितना टेस्टी और अट्रैक्टिव लग रहा है। ये रैप अभी काफ़ी ट्रेंडिंग है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैंने इसे एक प्लेट में सर्व कर लिया है। हमारा ट्रेंडिंग चल रहा आलू टिक्की रैप बिल्कुल रेडी है। अब हम फिर से दूसरा रैप लेते हैं और इसकी फिलिंग करते हैं। सबसे पहले हम फिर से इसे सेंटर से कट करेंगे। अभी मैं आपसे पिज्ज़ा रैप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसलिए रैप में हम सबसे पहले पिज्ज़ा सॉस और केचप को मिक्स करके स्प्रेड करेंगे। आप चाहो तो केवल पिज्ज़ा सॉस का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ चॉप्ड किया हुआ वेजेज डालूंगी। मैं यहाँ सबसे पहले कैप्सिकम डाल रही हूँ। इसे मैंने थोड़ा छोटा छोटा कट किया है। उसके बाद मैं इसमें स्क्वायर शेप में कट किया हुआ प्याज डाल रही हूँ। आप यहाँ पे पनीर, मशरूम या स्वीट कॉर्न का भी यूज़ कर सकते हो। प्याज भी मैंने डाल लिया। इसके बाद मैं इसमें चॉप्ड किया हुआ टमाटो डाल रही हूँ।
आप अपने पसंद की सब्जी ले सकते हो यहाँ पे, आपको जो पसंद हो, और आप जो नहीं खाते हो उसे स्किप भी कर सकते हो। मैंने सारे वेजेज डाल दी है, अब मैं ऊपर से इसमें चीज़ स्प्रेड कर रही हूँ। यहाँ मैंने मोजरेला चीज़ लिया है, उसके बाद मैं इसमें ऑरिगेनो डाल रही हूँ, आप चाहो तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। अब हम रैप को स्टेप वाइज फोल्ड कर लेंगे, आप इस स्टेप को अच्छे से देखना और सेम रैप ऐसे ही फोल्ड करना, इससे आपके रैप का लुक बहुत अच्छा आएगा। अब हमारा पिज़्ज़ा रैप रेडी हो चुका है, अब हम इसे भी रोस्ट कर लेते हैं। मैंने फिर से एक पैन लिया है और पैन में 1/2 टीस्पून बटर डाला है। बटर को थोड़ा मेल्ट होने के बाद हम इसमें रैप को सेक लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ मीडियम ही रखा है। हमारा रैप एक साइड से सेक गया है, अब हम इसे दूसरे साइड भी सेक लेते हैं। आप देख सकते हो इसका कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप इसे उसमें भी सेक सकते हो, उसमें भी इसका कलर और टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। हमारा डिलीशियस पिज़्ज़ा रैप भी बनकर रेडी हो चुका है। गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।